स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बेस्ट लर्निंग क्लासेस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। उनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है जिसमें क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट बता रखा है। ठीक है तो आगे हमें क्या बोला हुआ है, एसेट साइड पे कैश एट बैंक कितनी है, सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, प्रोविजन कितना बना रखा है ये बताया हुआ है, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स और पीएनएल का बैलेंस गिवन है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर नहीं है कि पीएनएल में प्रॉफिट है कि लॉस है, बट ये चीज़ दिख रही है कि जो हमें पीएनएल का बैलेंस गिवन है वो एसेट साइड पे गिवन है और एसेट साइड पर जो भी चीज़ें होती हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है और पीएनएल का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ के इतना समझ में आ गया कि पीएनएल में लॉस हुआ है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट और पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है। आगे बोला हुआ है कि जेड को पार्टनरशिप में 1/8 शेयर के लिए एडमिट किया है। जेड 20,000 एज कैपिटल लेके आएगा और 12,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अपना शेयर लेके आएगा। आगे बोला गया है जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स, यानी कि ऐसा भी हमने पढ़ा था जब हमने चैप्टर इससे प्रीवियस वाला किया था कि कभी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो या तो बाकी के जितने भी पुराने पार्टनर है वो सब मिलके उसको शेयर देते हैं या कोई अकेले भी दे सकता है। तो वही सेम सीन यहाँ पे है कि जेड का जितना भी शेयर है 1/8 उसे सिर्फ एक्स दे रहा है, वाई कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा। इसका मतलब एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है और जेड को वो शेयर मिल रहा है, वाई नो सेक्रीफाइस एंड नो गेन। इस लाइन का ये मतलब था। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000, लाइबिलिटी को बढ़ाना है। ओके, सारे डेटर्स गुड हैं, इसका मतलब क्या है, कोई भी बैड डेब्ट्स अराइज ही नहीं हुए। जब बैड डेब्ट्स अराइज नहीं हुए इसका मतलब उस ईयर में प्रोविजन का कोई भी यूज हुआ ही नहीं। आगे बोल रहे हैं स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम हैंस आर टू बी रिटर्न ऑफ, यानी कि स्टॉक में 3,000 का जो सामान है वो बेकार है, हमें उसे ख़त्म करना है, बेसिकली अपने स्टॉक को कम करना है। कितने रुपए से, 3,000 रुपए से। क्रेडिटर्स को 1,000 ज़्यादा पे करने हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि ज़्यादा पे करना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट्स को 70,000 पे रीवैल्यू करना है। मैंने बैलेंस शीट में देखा कि मेरे फिक्स्ड एसेट 80,000 के दिख रहे हैं और वो कह रहे हैं रीवैल्यू करके 70,000 के कर दो, यानी कि मेरे फिक्स्ड एसेट 10,000 से कम हो जाएंगे। बाकी मांगा सब कुछ हुआ है, जनरल एंट्रीज भी पूछी हुई हैं और बाकी नेसेसरी अकाउंट्स में क्या क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए भी बोला गया है। तो चलो सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से ही स्टार्ट करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने पढ़ा था कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। अगर आपको अपने एसेट को बढ़ाना होता है तो आप इस साइड लिखते हैं, लाइबिलिटी को कम करने के लिए इस साइड लिखते हैं और उसका अपोजिट चेन इस साइड रहता है कि अगर जब भी हमें अपने एसेट को कम करना है तो इधर और लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो इस साइड में मेंशन किया जाता है। ये सब हम पढ़ के आए हैं, आप उसी के हिसाब से सारी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो दिखा वो दिखा था कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की जो लाइबिलिटी है उसे वो बढ़ाना चाहते हैं, लाइबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। आप समझते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो कि कंपनी अपनी लाइबिलिटी बना के रखती है, बोलते हैं ना पीएफ कटेगा तो वो कंपनी को देना तो पड़ता है तो उनके लिए लाइबिलिटी है। तो वही सेम चीज़ है कि 5,000 रुपीज से बढ़ाना है। देन स्टॉक में बेकार कुछ चीज़ें थी जो कि हमें हटानी है तो एसेट को कम करना है, तो एसेट को कम करने के लिए मैंने इस साइड लिखा। आगे बोला था क्रेडिटर्स को 1,000 रुपये ज़्यादा पे करने हैं, लाइबिलिटी बढ़ानी है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम करनी थी, कैसे पता लगा, उन्होंने बोला अभी तो 80,000 की हैं फिक्स्ड एसेट बट उसे 70,000 पे ले आओ, यानी कि 10,000 रुपये से फिक्स्ड एसेट कम होने हैं, तो फिक्स्ड एसेट कम करने के लिए डेबिट साइड पे मेंशन कर दिया। बाद में उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला है कि आपको अपने प्रोविजन को ख़त्म करना है, बट इनडायरेक्टली क्या बोला है, सारे डेटर्स अच्छे प्रूव हुए यानी कोई भी बैड डेब्ट्स अराइज ही नहीं हुए तो प्रोविजन बनाते क्यों हैं, कि अगर बैड डेब्ट्स आएंगे तो यूज़ कर लेंगे, बट बैड डेब्ट्स आए ही नहीं इसलिए प्रोविजन का कोई भी यूज़ नहीं हुआ, तो 600 रुपये का जो प्रोविजन था उसे मैंने ख़त्म कर दिया। बस इसके अलावा और कुछ तो बचा नहीं है, तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे अब रीवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है। कैसे आया देखिए, आप खुद ही देखिए ना, इधर का टोटल ज़्यादा, इधर सिर्फ 600 रुपीज़ है तो इधर मेरा टोटल जो है वो 19,000 रुपीज़ का आ रहा है, तो इधर भी इतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पे सीधा 18,400 की बैलेंसिंग फिगर आ गई जिसको मैं ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में शेयर करूँगी।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो ओल्ड रेशियो बता रखी है पार्टनर्स की वो 5:3 बता रखी है, तो हमें 18400 के लॉस को एक्स और वाई में 5:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सी रेशियो में? 5:3। रिवैल्यूएशन का लॉस हो कि प्रॉफिट हो, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो ये एक लाइबिलिटी अकाउंट है, इसीलिए इसकी ओपनिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आएगी। तो यहाँ पे आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000 एक्स का और 31,000 वाई का। अच्छा, फिर बैंक या कैश के थ्रू जो जेड है वो क्या लाया है? जेड लाया है अपना कैपिटल 20,000 रुपये का। अब फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया है। तो मैं हर बार क्या बोलती थी कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी नया पार्टनर लाता है वो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को मिलता है। किसको मिलता है? सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को। तो सेक्रीफाइजिंग यहाँ पे सिर्फ एक्स है। देखो वाई वैसा पहले भी था वो जब एक्स के साथ पार्टनरशिप में, अब जेड भी आ गया तो भी है। उसने कहा जेड को एडमिट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करूँगा। इसका मतलब वाई नो सेक्रीफाइस नो गेन वाली सिचुएशन में है। जेड गेन कर रहा है और एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि जेड जितना भी लाएगा वो सिर्फ एक्स को ही देगा, क्योंकि तो उसी ने तो उसको अपना शेयर कम करके जेड को लाया है वो। तो इसीलिए वाई को कुछ नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा प्रीमियम का अमाउंट जो है वो एक्स को मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ इकलौता एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। बस इस बात का ध्यान रखना है। बाकी बाद में हम यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ले लेंगे। रीज़न भी हमें कुछ भी बता तो रखा नहीं है कि वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कोई भी क्लेम आया है। तो जब कोई क्लेम है ही नहीं तो पूरा का पूरा रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बच जाएगा। तो मैंने रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया, डन हो गया ही। ठीक है, तो भी देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल का बैलेंस, ये सब हिडन एडजस्टमेंट्स होती हैं। इनके बारे में क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोल रखा तो आपको खुद से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो अब जैसे पीएनएल का बैलेंस था, तो पीएनएल का बैलेंस डेबिट बैलेंस था ना, क्योंकि वो एसेट साइड पर लिखा था। तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है, लॉस से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कम करना है तो हम डेबिट साइड पे कर रहे हैं। फिर से वही ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ये सारी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में अभी जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो उसमें भी लॉस हुआ, तो लॉस से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कम करने के लिए डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। 11,500 एक्स के अकाउंट का आ रहा था और 6,900 वाई का। ठीक है, बस अब इसके अलावा तो और कुछ बचा नहीं, तब हम अपने अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो देखो इधर का टोटल आ रहा है 8,5,625, इधर आ रहा है 3,3,175 और 20,000। तो सेम वही टोटल इधर आना चाहिए 8,5,625, 3,3,175 और 20,000। तो बाकी का जितना भी बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो ये आ रही है 7,2,625, 25,375 एंड 20,000। चलिए अभी जब ये दोनों अकाउंट बन ही गए हैं तो फिर अब हम लोग जर्नल एंट्री पास करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास कैश या बैंक में पैसा आया तो मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। क्यों? एसेट है बड़ी तो डेबिट कर दिया। क्यों आया? तो कि जेड अपना कैपिटल लेके आया है और प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर लेके आया है, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो यहीं पे यही लिखेंगे कि बीइंग जेड बॉट कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो टोटल देखो ये 20,000 रुपीज़ का कैपिटल और 12,000 रुपये का प्रीमियम, यानी कि इन टोटल 32,000 रुपीज़ लेके आया। अब इसके बाद में क्या करेंगे? जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है अब उसको तो ख़त्म करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल को मैंने ख़त्म करा डेबिट करके, और ये किसको मिल गया पूरा प्रीमियम का अमाउंट? एक्स को, क्योंकि तो सिर्फ यही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था। ये मिलने से इसका कैपिटल अकाउंट बढ़ गया है, इसीलिए हमने क्रेडिट साइड पर लिखा है। तो टोटल पूरा का पूरा 12,000 जो है वो हमने एक्स को ही दे दिया। तो यहाँ पर यही लिखेंगे कि बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो अब थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर पे क्या था हमारे पास? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, हिडन एडजस्टमेंट थी। ठीक है, इसको मैंने ख़त्म कर दिया डेबिट करके। सारे रिजर्व को ख़त्म करने के लिए डेबिट ही करना पड़ता है, तो डेबिट करके हमने ख़त्म करा और इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 5,800 का था जिसमें से 3,625 इधर आ गया और 2,175 वाई के कैपिटल अकाउंट में चला गया। तो बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड, आप साथ में इतना लिख सकते हो, टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? पीएनएल का डेबिट बैलेंस था, लॉस था,
तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कम करने के लिए डेबिट कर रहे हैं, और अब पीएनएल का जो डेबिट बैलेंस था उसे मैं क्रेडिट करके खत्म कर दिया। कितना था टोटल? 2400, जिसमें से 1500 यहाँ आ गया और 900 यहाँ आ गया। तो सेम यही लिखेंगे कि बीइंग पीएनएल इस बार डेबिटेड हो जाएगा, डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपने रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो जो किया वो लिख दो। पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है, तो किन किन चीज़ों से किया है वो लिख दो। एक तो प्रोविडेंट फंड, ओके वन सेकेंड, ठीक है, क्या है ये? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितने रुपीस का था? 5000 रुपीस का। इसकी वजह से किया था? एक स्टॉक की वजह से किया था 3000 रुपीस का, एक क्रेडिटर्स की वजह से किया था। रीजन सब एक्सप्लेन है, हम सिर्फ एंट्रीज पास कर रहे हैं अब अकाउंट को देख के, ठीक है, दोबारा से समझने की इनको ज़रूरत नहीं है। देन फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट थे 10,000 रुपये के, वो ले लिए, ठीक है। तो इन टोटल ही आपने 19,000 रुपीज़ से रिवैल्यूएशन को डेबिट किया। एंड सिक्स नंबर पे हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, इसकी वजह से हमने अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया था टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि 600 रुपये का था। एंड इसके बाद में अब अपनी लास्ट एंट्री वही पास करेंगे कि रिवैल्यूएशन में क्या हो गया लॉस, और वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट उसकी वजह से हो गया डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट हो गया, और वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। क्यों? क्योंकि तो रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया था। तो ये सब तो हम समझ ही चुके हैं, रिवैल्यूएशन तक अकाउंट तो अभी बना के ही आए हैं। 18,400 का लॉस हुआ था, इसमें से 11,500 इसके अकाउंट में और 6,900 इसके अकाउंट में चला गया था। तो नरेशन भी तो यही आएगी कि बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। डन हो गया ना ये। अब लास्ट चीज़ क्या बची? बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में स्टूडेंट अगर हम क्रेडिटर्स की बात करें तो पहले से क्रेडिटर्स जो थे वो 15,000 के थे, बट उन्होंने कहा 1,000 से और बढ़ा दो, तो अब मेरे क्रेडिटर 16,000 के हो गए। देन अगर मैं प्रोविडेंट फंड की बात करूँ तो प्रोविडेंट फंड पहले से 10,000 का था, उन्होंने 5,000 से और लाइबिलिटी बढ़ा दी है, तो अब मेरा प्रोविडेंट फंड बढ़ के 15,000 रुपये का हो गया है। इसके अलावा इसमें जो हमारा क्या नाम था, एक अकाउंट था, उसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, उसको हमने पार्टनर्स में बांट के ख़त्म कर दिया, तो अब वो तो आएगा नहीं। अब बस तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट मेंशन कर दो, जो कि अभी हमने निकाला था 72625, 25375 एंड 20,000। इसका टोटल करके 1,18,000 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार इन क्वेश्चन को आपको खुद बाय हैंड प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे एक एक चीज़ दिमाग में बिठाना मुश्किल पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद में हम सारे एसेट्स मेंशन कर देते हैं। वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग, ओके। अब आप कैसे करोगे ये? देखो आप ओपनिंग बैलेंस शीट पे जाया करो, ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको जो जो चीज़ें दिख रही है ना वो ले लीजिए। सॉरी, ये लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, ये हमारा कैश का बैलेंस है 5,000 रुपीज़ का। इसके अलावा हमारे पास डेटर्स हैं, सारे डेटर्स जो हैं वो हमारे गुड प्रूव हो गए हैं, तो हमारे को कोई भी, अब हमने जो प्रोविजन था उसे ख़त्म कर दिया, तो अब मैं डायरेक्टली इसको सिर्फ 20,000 रुपीज़ का मेंशन करूँगी और कुछ भी नहीं लूँगी, ठीक है। इसके बाद में मैं अगर स्टॉक की बात करूँ तो स्टॉक मेरा 25,000 का था, बट उन्होंने 3,000 से अब कम करवा दिया है, तो अब हमारा स्टॉक कम होकर 22,000 का बचा है। देन जो फिक्स्ड एसेट्स थे वो 80,000 के थे, बट रीवैल्यू किया है तो वो 70,000 के बचे हैं, ठीक है ना, ओके। तो ये स्टूडेंट कैश एट बैंक है, और अगर मैं सिर्फ कैश के बैलेंस की बात करूं तो 20,000 का वो कैपिटल लेके आया और 12,000 रुपये का वो प्रीमियम लेके आया। क्या लाया है? ये है जेड का कैपिटल, और ये क्या है? ये उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर है। तो इन दोनों से अब मेरे कैश में कितना बैलेंस आ गया? 32,000। अब आप दोनों साइड टोटल कर सकते हो और चेकआउट कर सकते हो कि आपका बैलेंस कितना आ रहा है, तो 1,49,000 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें क्या था, क्या ये सब हमें ऑलरेडी गिवन था, ये वाली एक एडजस्टमेंट थी सिर्फ, और एक फिक्स्ड एसेट की थी। बाकी कैश में आप समझ ही सकते हैं कि वो अपने कैपिटल के लिए कैश लाया है और प्रीमियम फॉर गुडविल के शेयर के लिए वो कैश लेके आया है, और दोनों साइड टोटल करके हमारे पास 1,49,000 आ गया। अच्छा, ये एक और चीज़ स्टूडेंट्स, उन्होंने हमसे बोला था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के दे दीजिए। तो इन दोनों की ओल्ड रेशियो क्या थी? 5:3 थी, दैट इज़ एक्स की 5/8 और वाई की 3/8 थी, और जेड को 1/8 शेयर के लिए एडमिट किया था। तो
इसको 1/8 किसने दिया, x ने, तो सिंपल मैंने x में से 1/8 कम कर दिया, वो z को मिल गया। तो अब अल्टीमेटली इसका शेयर 4/8, इसका जितना था उतना ही रहा, और इसको हमने 1/8 शेयर के लिए एडमिट किया है। तो अगर अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो मैं लिख सकती हूँ कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 आया है। ठीक है, चलिए अब 62 क्वेश्चन में क्या बोला है कि राजेश एंड रवि जो हैं वो पार्टनर्स हैं, ठीक है, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है। हमें उनकी बैलेंस शीट बता रखी है जिसमें क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, कैपिटल अकाउंट है राजेश एंड रवि का, देन कैश, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। आगे क्या बोला है कि रमन को उन्होंने एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर, वो 16,000 रुपीज का कैपिटल ला रहा है। इन सब की अब आपस में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3:2 होगी। रमन ना कैश नहीं ला पाया गुडविल के लिए, मतलब कि अपना कैपिटल का शेयर तो वो ले आया, बट जितना उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर बन रहा था वो कैश में नहीं ला पाया है। तो हमने डिसाइड किया है कि वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई हिम, यानी कि जितना भी उसका प्रॉफिट में शेयर है और जितना भी कैपिटल है जो कि उसको कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, उनके बेसिस पे हम ये पता लगाएंगे कि हमारी गुडविल कितनी होगी। ठीक है, तो ये एक न्यू पॉइंट है इस क्वेश्चन का, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं कि स्टॉक को 5% से कम करना है, प्रोविजन जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी 500 का होना चाहिए। तो अभी मेरा प्रोविजन 400 का है और वो चाहते हैं कि प्रोविजन 500 का बने, यानी कि हमें अपने प्रोविजन को 100 रुपये से बढ़ाना है। आगे कह रहे हैं फर्नीचर को 10% से कम करना है, बिल्डिंग को 40,000 पे वैल्यू करना है। तो अभी मेरी बिल्डिंग 35,000 की है, उसको 40,000 पे वैल्यू करना है, यानी कि 5,000 रुपये से बढ़ा देना है। तो जो जो बोला है वही वही करेंगे। सबसे पहले देखिए स्टॉक को हमें डिक्रीज करना है, 15,000 रुपये का स्टॉक है। एसेट को कम करना है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, 15,000 के स्टॉक को 5% से डिक्रीज करना है, यानी कि 750 रुपीज़। जो हमारा प्रोविजन है वो हमें बढ़ाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बिकॉज उन्होंने बोला है कि अभी हमारा प्रोविजन जो है 500 का कर दो और अभी 400 का है, यानी कि 100 रुपये से अपना प्रोविजन बढ़ाना है। देन फर्नीचर की हमने यहाँ पे बात करी, तो कि देखिए उन्होंने क्या बोला है कि फर्नीचर को 10% से कम करी है, तो 500 रुपये हमने वो मेंशन कर दिया। इसके बाद में वो कह रहे थे कि अब अपनी बिल्डिंग को 40,000 पे वैल्यू करो, जो कि पहले 35,000 की थी, यानी कि 5,000 से अपनी बिल्डिंग की वैल्यू को भी बढ़ाना है। तो देखिए इस साइड टोटल 5,000 है, तो इधर भी 5,000 ही आना चाहिए, बट यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है 3,650 की। तो इसका मतलब ये क्या है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, जो कि कहाँ जाएगा, ओल्ड और न्यू पार्टनर्स में बढ़, सॉरी ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो 2,190 इधर आ गया और 1,460 इधर आ गया। तो सिंपली अब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट यहीं पर कम्प्लीट होता है। तो पहले हम वर्किंग नोट पर जाएंगे एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हमें वो बोल रहे हैं कि जब वो गुडविल निकालनी है वो उस पर्सन के कैपिटल और प्रॉफिट के शेयर के अकॉर्डिंगली निकालना। तो मैं कैसे निकालूंगी, वो कितना कैपिटल अपना लेके आया है, 16,000 रुपये, और उसको हम शेयर कितने के लिए एडमिट कर रहे हैं। देखिए हर एक चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो 16,000 रुपीज़ का कैपिटल लेके आया है। आप बोलेंगे उसका न्यू शेयर कैसे पता लगेगा, उन्होंने बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, यानी कि रमन का शेयर कितना है, 2/10। हमें हमेशा रेसिप्रोकल लेना होता है, 10 ऊपर और 2 नीचे। रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे। तो जब मैं इसको आप सॉल्व करोगे, देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये 10/2 है, तो 2 8 16 होता है, तो ये टोटल हमारा जो आंसर है ये 80,000 रुपीज़ का निकल के आ गया। जब भी क्वेश्चन में ये बोला हो ना कि जो न्यू पार्टनर है उसके कैपिटल के हिसाब से और उसके शेयर के हिसाब से गुडविल निकालो, तो वो हमेशा ऐसे ही निकलेगी कि देखो पैसे तो इसके पीछे एक रीज़न है, ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लीजिए। जैसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जितनी भी पूरी टोटल गुडविल होती है उसमें उस पार्टनर के शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं और प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाता है। तो यहाँ पे शेयर सीधा लिखते हैं, अब हमें यहाँ पे गुडविल की वैल्यू निकालनी होती है तो ये शेयर उल्टा आ जाता है, इसीलिए शेयर को रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो इतना लॉजिक नहीं समझ आता है, तो इसलिए सिंपल इतनी सी बात याद रखनी है कि जब भी नए पार्टनर के कैपिटल और उसके शेयर की हेल्प से आपको गुडविल निकालनी है, जो लाइन है सीधी सीधी बोली हुई थी कि उस पर्सन के कैपिटल और उसके शेयर और प्रॉफिट की हेल्प से गुडविल निकाल लो, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बस रेसिप्रोकल कर देना उसके शेयर का।
ठीक है, रीजन है उसका, बट जो मैंने समझाया जिसको समझ आ गया ठीक है, अदरवाइज ये फॉर्मूला लर्न कर लेना। अब जब मैं ये शेयर निकालूंगी जो कि 80,000 रुपीज़ का मैंने निकाला, तो इसमें गुडविल ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब ऐसे तो मुझे थोड़ा ना समझ आएगा कि 80,000 में से कितनी गुडविल है, 10,000 की, 12,000 की, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग गुडविल अलग से निकालना पड़ेगा। तो अब हम जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स की तरफ, तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल देखते हैं, तो वो है 29,000 और 15,000। न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है, 16,000 रुपये, और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ, 3,650 रुपीज़ का। तो ये टोटल कितना आ गया, 6,3,650। इसमें हमने कहीं पे भी गुडविल लिखा क्या? नहीं लिखा। यानी कि ये वाली जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ मतलब नेटवर्थ हम दो अलग अलग तरीके से नहीं निकालते थे, एक होता है एसेट्स को जोड़ के नेटवर्थ आती है, एक होता है लाइबिलिटीज़ को जोड़ के। तो मैं एसेट्स का इतने सारे एसेट्स लिखने बैठूँ, उससे बेटर मैंने सारी लाइबिलिटीज़ लिख दी, सारे ओल्ड और नए पार्टनर का मिला के कैपिटल लिख दिया, और जितना भी प्रॉफिट का आया है वो लिख दिया। इसको मिला के मेरी बिजनेस की, मेरी एंटिटी की नेटवर्थ आ गई कि इतनी नेटवर्थ है इस बिज़नेस की, है ना। बट इसमें गुडविल इंक्लूडेड नहीं है, और जो ये वाला हमने निकाला इसमें गुडविल इंक्लूडेड थी। तो अब मैं जब इनको आपस में माइनस कर लूँगी तो आई गॉट टू नो कि गुडविल कितनी है। तो यानी कि अगर 80,000 में गुडविल इंक्लूडेड और 63,650 में गुडविल इंक्लूडेड नहीं है, तो इनको आपस में सब क्रैक करके मुझे पता लगा कि गुडविल की वैल्यू है 16,350 रुपीज़ की। ये पार्ट एक इंपॉर्टेंट और न्यू है, तो इसको अच्छे से समझना है। ये कैसे पता लगा कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। अब जब ये इंक्लूडिंग गुडविल आ ही गया है तो मुझे गुडविल की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने पहले नेटवर्थ निकाला लाइबिलिटी वाले साइड से, है ना। लाइबिलिटी में आता क्या क्या था, कैपिटल आ जाते हैं ओल्ड और न्यू पार्टनर के, और जितना भी प्रॉफिट है वो वाला शेयर जोड़ के नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल आ गया, और आपस में सब ट्रैक करके, क्योंकि देखो डिफरेंस आ रहा है ना, यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, तो जो डिफरेंस है किस चीज़ का है, डिफरेंस गुडविल का ही है, ठीक है। तो हमेशा ऐसे ही करना है, अच्छा पॉइंट है, इसको अच्छे से समझना है। अब देखो ये तो पूरे फॉर्म की गुडविल आ गई, अब रमन अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाएगा, जितना कि उसका शेयर है जो कि 2/10 है, तो वो सिर्फ 3,270 रुपीज़ लाएगा। अब जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं। तो ओल्ड रेशियो है 3/5 एंड 2/5, और न्यू रेशियो क्या थी, 5:3:2, यानी कि 5/10 इधर और 3/10 इधर। तो जैसी वो एलसीएम आ गया यहाँ पे 10, ये बन गया 6-5 यानी कि 1/10, और ये बन गया हमारा 4-3, तो ये आ गया 1/10। तो 1/10 एंड 1/10 जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम लिख सकते हैं इसको 1:1, यानी कि 3,270, ठीक है, हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, कौन सी रेशियो में, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो दोनों को इक्वली ही मिल जाएगा, यानी कि 1,635 राजेश के अकाउंट में और 1,635 रवि के अकाउंट में चला जाएगा। अभी हमने जो भी वर्किंग नोट किया उसके हेल्प से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए इसकी ओपनिंग फिगर आपको क्रेडिट साइड पर देखने को मिलेगी, 29,000 राजेश का और 15,000 रवि का। देन उसके बाद कैश में ही अपना कैपिटल लेके आ रहा है 16,000 रुपीज़ का। देन रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएंगे क्रेडिट साइड पे लिख के, 2,190 इधर आ जाएगा और 1,460 इधर आ जाएगा। उसके बाद में हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया प्रीमियम फॉर गुडविल बेसिकली, बट आप बोलोगे कि यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों लिख रहे हो, क्योंकि वो लेके आया ही नहीं है ना प्रीमियम फॉर गुडविल अभी, अगर ले आता तो हम वो लिख देते, बट अभी तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर लाया ही नहीं है। ये भी तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, वो नहीं ला पाया है, इसीलिए हम उसके करंट अकाउंट को कम करके वो पैसा राजेश और रवि के अकाउंट में डाल रहे हैं, ठीक है। ओके, बस इसके अलावा और कुछ तो था नहीं, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट ही बैलेंसिंग फिगर में जाएगा, 3,282,518,095 एंड 16,000, और यही पूरे अकाउंट का टोटल भी बनेगा दोनों साइड। इधर आ गया 3,282,518,095 और 16,000, सेम ऑन दिस साइड 3,282,518,095 एंड 16,000 रुपीज़। अब लास्ट एक ही चीज़ बची है, वो है बैलेंस शीट, तो वो प्रिपेयर कर देते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे कैश थी 2,000 रुपये की, बट 16,000 और बढ़ गई क्योंकि वो अपना कैपिटल लेके आया है, तो फाइनली कैश 18,000 रुपये की हो गई। स्टॉक की बात करें तो 15,000 का था, बट उन्होंने कहा था 5% इसे कम कर दो, यानी कि 750 कम कर दो, तो अब अल्टीमेटली स्टॉक 14,250 रुपीज़ का बचा। प्रीपेड इंश्योरेंस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जितने की थी उतने की रही, यानी कि 1,500 रुपये। डेटर्स
डेटर्स हमारे 9400 के हैं और इसमें से हम प्रोविजन माइनस करेंगे अब 500 का, क्योंकि तो पहले ही माइनस हो रहे थे 400 के, बट अब प्रोविजन को बढ़ा के हमने 500 का कर दिया। इट इज़ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देन मशीनरी की बात करते हैं, मशीनरी 19,000 रुपये की, बिल्डिंग जो कि 35,000 की थी अब हमने उसको रिवैल्यू करके 40,000 रुपीज़ का कर दिया है, वो लिख दो। ठीक है, इसके बाद में अपना फर्नीचर हमने लिख दिया जिसकी वैल्यू हमने कम करी 10%, 500 रुपये कम करी तो अब फर्नीचर 4500 रुपीज़ का बन गया। लाइबिलिटीज़ पे चलते हैं तो हमारे पास है क्रेडिटर्स यहाँ पे 38,500 रुपीज़ के, आउटस्टैंडिंग रेंट जितने का था उतने का ही रहा 4,000 रुपये का। इसके बाद में हमने बस कैपिटल अकाउंट मेंशन कर दिए तीनों पार्टनर के, जो कि अभी हमने निकाला था, वी हैव राजेश, रवि एंड रमन। ठीक है, तो ये आ रहा है 3,282,518,095 एंड 16,000 रुपीज़, जिसका टोटल करके 66,920 आ गया। बस इसके अलावा और कुछ तो है नहीं, तो मैं दोनों साइड अगर टोटल कर रही हूँ तो मेरे पास 109,420 आ रहा है, जो कि एसेट और लाइबिलिटी साइड का टोटल मैच हो गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।